अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक ठाक। आप लोग यहाँ क्यों खड़े हुए हैं? हम ट्यूबवेल पे जा रहे हैं नहाने के लिए। यहाँ पे कोई नलका नहीं है, हम ट्यूबवेल पे नहाने जा रहे हैं। यहाँ पे 25 घर हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा हैं, तो बहुत दूर है। अच्छा, नलका दूर है तो फिर वहाँ से अपन लोग पानी भर के लेके आते हैं। पानी भर के आते हैं, पानी दूर है। 25 से 30 जहाँ घर रहते हैं लेकिन जहाँ कोई भी नलका नहीं है, ये बेचारे किस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बच्चों के भी कितने मैले कपड़े पहने हुए हैं और ये बच्चों ने सर पे मेहंदी लगाई हुई है। हाँ जी। तो ये मेहंदी अब कहाँ उतारने जा रहे हैं? यहाँ पे खूब एक ट्यूबवेल है, वहाँ जा रहे हैं। अच्छा, कि यहाँ दूर है वो भी थोड़ा सा? हाँ जी। अच्छा, वो दूर है ट्यूबवेल, क्योंकि यहाँ नलका तो कोई है नहीं, तो वहाँ से बच्चों ने आज मेहंदी लगाई है। ये बेचारे उनको नहलाने के लिए जा रही हैं। तो घर कहाँ है आपके? घर इधर ही है। हाँ जी। किस साइड में दिखाएंगी आप ज़रा? चले हम चलते हैं और वहाँ के घर जाके देखते हैं कि जहाँ जो ये बता रही 25-30 जो घर रहते हैं और वो हम घर देखते हैं जाके, तो इंशाल्लाह फिर बहुत जल्द जो है वो हम नलके का यहाँ बंदोबस्त करेंगे। चले आ जाओ। अच्छा, कितना अर्सा हो गया यहाँ नलका नहीं है कोई? 3-4 साल हो गए आप लोगों को यहाँ रहते हुए। तो आप लोग यहाँ क्या करते हैं? यहाँ कोई काम वगैरह करते हैं? क्या काम करते हैं? अच्छा, ईंटें निकालते हैं, मतलब भट्ठे पे काम करते हैं। अच्छा अच्छा, भट्ठे पे। अच्छा, ये इतने सारे घर हैं? ये सारे घर हैं? हाँ जी। ओए होए, इतने सारे घरों में यहाँ पानी कोई नहीं है? इंतज़ाम नहीं है पानी का? नहीं। अल्लाह, ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ जो है वो ये बता रही हैं छोटी कि यहाँ इतने सारे लोग रहते हैं और यहाँ कोई भी नलके का इंतज़ाम नहीं है। ये बहुत दूर से बेचारे भर के लाते हैं। तो ये भट्टे पे जिस पे आप रहते हैं, तो उन्होंने वैसे नलका लगवा के दिया था आपको? कहीं है नलका? बहुत दूर है। अच्छा, उन्होंने भट्टे पे लगा के दिया हुआ, तो वहाँ से पानी भर के लेके आते हैं आप लोग? अच्छा, कि वहाँ लगा हुआ ये और वहाँ से ये भर के लेके आते हैं। तो इतनी दूर से लेके आना जाना डेली बहुत मुश्किल है। मुश्किल है और थक जाते हैं, गर्मी होती है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे, हैं मासूम बच्चे हैं और गर्मी इतनी शदीद है, तो इस इतनी गर्मी में इतनी दूर से बच्चों के लिए पानी लेके आना बड़ा मुश्किल है। अच्छा भाई, आप आए इधर। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप भी यहीं काम करते हैं? अच्छा, तो यहाँ नलका कोई नहीं है? अच्छा, यहाँ से वो दूर है नलका? अच्छा, एक ही नलका है, वो दूर है, भट्ठे पे लगा हुआ है। तो इतने 25-30 घर जो हैं वो वहाँ से सारे पानी भर के लेके आते हैं? ओए होए होए, ये इतनी दूर से बेचारे लेके आते हैं। तो यहाँ जो है छोटे छोटे बच्चे भी सबके हैं और गर्मी भी इतनी शदीद है। ओए होए, चलें जी, अल्लाह ताला रहम करे और हम इंशाल्लाह पूरी अपनी कोशिश करेंगे और कि हम जल्द से जल्द जो है यहाँ एक नलके का जल्द से जल्द इंतज़ाम करें, ताकि आप लोग जो इतनी दूर से पानी भर के लेके आते हैं, आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ सहूलत हो जाए और आपकी ये परेशानी दूर हो जाए। तो और आप यहीं जो है वो नलका हो तो कहीं आप लोगों को जाने की ज़रूरत ना। सही कहा, इतनी दूर जा रही है फैमिली जो है वो कहीं जा रही है ट्यूबवेल पे नहाने के लिए। ये व्यूअर्स, जैसे कि आपने इन बहनों की बातें सुनी है, भाई ने भी कहा है और वाकई मुझे सच और हकीकत है, हम यहाँ से गुजर रहे थे। मैं 2-4 दफ़ा यहाँ से गई भी हूँ, लेकिन मैंने दो ये नहीं होंगी कि और औरतें होंगी, तो मैंने उनके ऊपर बाल्टी जो है ना वगैरह रखी हुई देखी थी कि ये पानी वगैरह बेचारे दूर से भर के लेके आते थे। तो हम इंशाल्लाह आप सबकी सपोर्ट की वजह से जो है बहुत जल्द जो है नलके का इंतज़ाम करेंगे, ताकि इन बेचारों के लिए कुछ ना कुछ सहूलत हो जाए और एक अपना बच्चों के लिए अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। कोई भी मेरा बहन भाई सपोर्ट करना चाहता है, व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जल्द से जल्द यहाँ एक नलके का नहीं, मैं कहती हूँ यहाँ से 3 से 4 नलके का इंतज़ाम हो सके और ये जितने भी यहाँ लोग रहते हैं और एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। ऐसे ही मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।